हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट जॉब्स इन यूपी 2021 इस बारे में आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जॉब है इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2021। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है 94, नेम ऑफ द पोस्ट लॉ क्लर्क ट्रेनी। सिलेक्शन प्रोसेस, गवर्नमेंट जॉब में अगर हाई कोर्ट रिक्रूट करना है तो उसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षण होता है। स्क्रीनिंग परीक्षण के बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी जो है वो 15,000 होगी, अनुभव से सैलरी बढ़ जाएगी। एप्लीकेशन फीस जो है ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है और NT ST के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है। लॉ क्लर्क ट्रेनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त आपकी एज 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश NHM यूपी रिक्रूटमेंट 2021। नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल 797, नेम ऑफ द पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BSc नर्सिंग। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 के अंदर ही होनी चाहिए। सैलरी जो है स्पेसिफिक मेंशन नहीं की है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती UPPSC रिक्रूटमेंट 2021। नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल 3000 एंड नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ नर्स। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन लगेगा वो है डिप्लोमा और BSc डिग्री। एज लिमिट 21 to 40। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। भारत सरकार जहां पे नोटिफिकेशन जारी करता है वहां पे लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 125 और SC ST NT कैटेगरी के लिए 65 रुपीज है। स्टाफ नर्स पोस्ट की सैलरी 9,000 to 34,000 तक मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा बोर्ड UPSC SSB रिक्रूटमेंट 2021। नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल 3,500 एंड नेम ऑफ द पोस्ट PGT पोस्ट। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए लगेगी वो है ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन प्लस BEd। मीन्स आपको ग्रेजुएट होना है BSc, BCA, इंजीनियरिंग, लेकिन BEd आपको करना है, BEd होना अनिवार्य है। आपकी पहले रिटन टेस्ट होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसकी जो सैलरी है वो 25,000 to 50,000 तक की है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जहां पे नोटिफिकेशन जारी करता है वहां जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। भर्ती फॉर्म भरने की जो फीस है ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 है और NT ST के लिए 350 है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट 162 एंड नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर। अप्लाई करने से पहले आपको रोजगार संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले आपको जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसके लिए वो 40 से पहले, अप्लाई करते वक्त आपकी जो एज है वो 40 से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो लगेगी वो इस प्रकार है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट बैचलर डिग्री प्लस PG, डिप्लोमा, CA और CS। सैलरी जो है वो काफी बढ़िया है, 28,000 to 62,000। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो
या ऑफलाइन भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस फॉर ओपन एंड ओबीसी कैटेगरी 1000 एंड एनटीएसटी कैटेगरी इट इज 500 रुपीज। ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वेयर यू कैन मेक करियर। आपको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज ये जो बैंक प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अभी हमने गवर्नमेंट जॉब्स इन यूपी इस बारे में आवश्यक जानकारी इस वीडियो में हमने ली है। अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।